माना है कि सैफ अली खान करीना स्टारर एजेंट विनोद, अनुष्का रणवीर स्टारर लेडीज वर्सेस रिकी बहल और अभिषेक सोनम स्टारर प्लेयर्स, ये तीनों फिल्में एक साथ दिसंबर 9 को रिलीज होंगी। सुनने में आया है सिमी ग्रेवाल के शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल्स में बहुत जल्द कटरीना एज अ गेस्ट आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कटरीना ने इस शो के फैमिली सेगमेंट में अपने रियल फैमिली को ना बुलाकर फरहा खान और कबीर खान को अपना फैमिली मेंबर चुना है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि संजय दत्त और उनकी डॉटर त्रिशाला के बीच बॉलीवुड में एंट्री को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर त्रिशाला ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर इन सारी खबरों को रूमर्स बताया है। कहा जाता है कि इमरान खान और संजय दत्त ने ऋतिक रोशन के डांस शो पर आने के लिए अपनी मंजूरी तो देती है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि उन्हें ऋतिक के साथ डांस करने को ना कहा जाए, क्योंकि इनकी माने तो वो ऋतिक जैसे टैलेंटेड डांसर के साथ कदम नहीं मिला पाएंगे। लेकिन शाहिद कपूर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट ही हैज आस्क्ड फॉर अ डांस नंबर विद ऋतिक। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा को कोलकाता में इनकी अपकमिंग फिल्म बर्फी की शूटिंग करते हुए स्पॉट किया गया। इस फिल्म में रणबीर एक डेफ पर्सन का रोल निभा रहे हैं और प्रियंका निभा रही हैं एक मेंटली चैलेंज्ड लड़की का किरदार।